झारखंड के सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जनाधार को और मजबूत करने की कवायद में जुटा है। पार्टी का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन आज शनिवार 18 दिसंबर को राजधानी रांची में हो रहा है। यह अधिवेशन में शामिल होने वाले नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आज इस अधिवेशन में 700 पार्टी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें नई केंद्रीय समिति की घोषणा होने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। यहाँ उत्सव जैसा माहौल है, तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। सुबह से ही यहाँ लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी की तमाम इकाइयों ने पुनर्गठन करने की कवायद भी होगी। इस कड़ी में जहां केंद्रीय समिति का फिर से गठन होगा, वहीं जिला कमेटियों का भी नए सिरे से विस्तार दिया जा सकता है। इसके तहत कमेटियों को भंग कर तदर्थ तौर पर संयोजक मंडली का गठन किया गया है। वहीं केंद्रीय समिति के गठन की घोषणा आज महाधिवेशन में की जाएगी। इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। खैर, देखना होगा कि जेएमएम के इस महाधिवेशन में क्या कुछ हासिल होता है।